गुरुवार को मसूरी के लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी में चल रहे चिंतन शिविर का समापन हो गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत तमाम कैबिनेट मंत्री मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री समेत सभी मंत्रियों ने शिविर में अपने विचार व्यक्त किए। सीएम धामी ने कहा कि शिविर द्वारा दिए गए सुझावों को कैबिनेट में शामिल किया जाएगा। आपको बता दें कि राज्य सरकार के द्वारा मसूरी में सशक्त उत्तराखंड 25 नाम से 3 दिन का चिंतन शिविर आयोजित किया गया था, जिसमें कैबिनेट मंत्री और वरिष्ठ अधिकारियों ने 3 दिन तक अपने अपने विचार रखे। मसूरी में चल रहे चिंतन शिविर समापन के बाद देर शाम को मंत्री गणेश जोशी ने भाजपा मसूरी मंडल की बैठक में भाग लिया और नगर पालिका के चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं को तैयार रहने को कहा। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि 3 दिन का चिंतन शिविर प्रदेश की दिशा और दशा को तय करेगा, साथ ही अधिकारियों और मंत्रियों की जवाबदेही भी तय करेगा। उन्होंने बताया कि 6 महीने के बाद प्रगति रिपोर्ट मांगी गई है, जिस पर स्वयं मुख्यमंत्री समीक्षा करेंगे। चिंतन शिविर से जो मंथन हुआ है, निकल कर आया है, अमल करते हुए अधिकारी और हम मिलकर काम करेंगे इस पर, इस प्रदेश को जो है नंबर वन प्रदेश बनाएंगे। अस्वस्थता के कारण मैं काफ़ी समय से मसूरी नहीं आ पाया था और आप करीब 1.5 महीने के बाद मुझे आने का मौका मिला और कार्यकर्ताओं से भेंट कर कई विषयों पर चर्चा हुई, कई समस्याओं की बात यहाँ पर आई। मैंने इन से अधिकारियों को फोन कर उसी संस्थान के लिए कहा, क्योंकि ये समस्या जो उठा रहे हैं इनकी व्यक्तिगत समस्याएं नहीं हैं, जनता की समस्याएं हैं और उनकी समस्याओं को ध्यान कराना हमारी जिम्मेदारी है। अभी एक स्वास्थ्य संबंधी मामले की बात आई थी, मैंने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो समिति के अध्यक्ष है उनसे बात की है। इससे पूर्व जगह पानी की लाइन बिछाने की बात आई थी, हमने संबंधित एक्शन निश्चित किया है कि तुरंत लाइन बिछाई जाए। एक दूसरे कर्मकार बोर्ड का यहाँ पर आया कि लोगों के कार्ड नहीं बनाए जा रहे हैं। कल मैंने लेबर के सारे अधिकारियों को अपने आवास पर बुलाया है और मैं यहाँ से संबंधों को बुलाकर समस्याओं का निदान हम कराएंगे, क्योंकि जनता की सरकार, जनता के द्वार इस नारे को लेकर हमारी सरकार कर रही है, काम कर रही है और जो भी समस्याएं होंगी उसका निदान कराया जाएगा। और शीघ्र ही मैं, अभी एक विषय आया था जो हमारी, मेरा जो ड्रीम प्रोजेक्ट है, एक पेयजल योजना जो यमुना से हम पानी ला रहे हैं और जो हम एक सीवर लाइन के लिए हमने पैसा यहाँ सेंक्शन किया है मसूरी शहर के लिए, एक रिव्यू मीटिंग में शीघ्र ही करने वाला हूँ। हालांकि मैं लगातार उसकी वैसे मॉनिटरिंग करता रहता हूँ, एक सारे अधिकारी से मीटिंग करेंगे। हमारी कोशिश होगी कि शीघ्र ही यमुना का पानी मसूरी में पहुँचे और मसूरी की जो पेयजल की समस्या है उसका समाधान। कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने सरकार के मसूरी में चल रहे 3 दिन के चिंतन शिविर पर तंज कसते हुए कहा कि शिविर में मुख्य सचिव ने सरकार की पोल खोलकर रख दी। उन्होंने कहा कि अंकिता भंडारी से लेकर केदार भंडारी और अन्य मामलों में न्याय तक नहीं मिल पा रहा और सरकार के सभी अफसर मसूरी में योग कर रहे हैं। देखिए, अगर इस मंथन से अमृत निकलता है तो बहुत स्वागत योग्य है, लेकिन जिस तरह से तल्ख सुर में वहाँ मुख्य सचिव बोलते हुए नजर आए, उसने कलई खोलकर रख दी यहाँ लाल फीताशाही की। किस तरह से अफसर पूरे प्रदेश को चला रहे हैं, नेताओं को चला रहे हैं, रणनीति एसी कमरों में बैठकर बना रहे हैं और किस तरह से असमर्थता जाहिर कर रहे हैं काम करने में। गरीब और पीड़ित जनता जब अफसरों के पास पहुँचती है तो नकारात्मक उनका जो रवैया होता है उस पर खुलकर बोले हैं मुख्य सचिव। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं अगर अधिकारी अपना आत्मावलोकन करेंगे तो उत्तराखंड के हित में होगा। एक बात पे मुझे आपत्ति है कि यहाँ प्रदेश में इतना जलजला आया हुआ है, कानून व्यवस्था चरमराई हुई है, अंकिता को न्याय नहीं मिल पाया है, किरण नेगी को न्याय नहीं मिल पाया है, पिंकी को न्याय नहीं मिल पाया है और केदार भंडारी अब भी लापता चल रहे हैं। ऐसे में दर्जनों ऐसे वारदात हैं जिन पर न्याय मिलना अभी बाकी है और वहाँ चिंतन शिविर में योग करने में मशगूल हैं हमारे सभी अफसर। मुख्य सचिव ने जिस तरह से कहा कि यदि हम उत्तर प्रदेश का हिस्सा होते तो 70 सालों में भी इतना विकास नहीं हो पाता, इसकी मैं घोर शब्दों में निंदा करती हूँ। मुख्य सचिव के मुखारविंद से इस तरह की बातें शोभा नहीं देती। अगर आज उत्तराखंड में कहीं भी विकास का एक जर्रा भी वो दिखा दें, सड़क में गड्ढे हैं, रोजगार युवाओं के पास है नहीं, स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाओं का यह आलम है कि खुद आज के समाचार पत्रों के हिसाब से टोटा पड़ गया है अस्पतालों के साथ सापेक्ष या नियुक्तियों के सापेक्ष, हमारे अस्पतालों में डॉक्टर्स नहीं हैं, शिक्षा व्यवस्था का आलम सबसे छुपा हुआ नहीं।
नहीं है, तो ऐसे में क्या विकास हुआ वो भी मुख्य सचिव अगर बताते चलते, क्योंकि महिलाओं का तो जो स्थिति 22 साल पहले थी ग्रामीण अंचलों में वही स्थिति आज भी है, तो किस विकास की बात मुख्य सचिव कर रहे थे और 70 सालों का हवाला क्यों दे रहे थे, ये उनको स्पष्टीकरण देना चाहिए। पिथौरागढ़ जिले के भाजपा के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष गिरीश जोशी और जिला प्रभारी बलवंत बोरियाल का पहली बार गंगोलीहाट और बेरीनाग पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर जिलाध्यक्ष गिरीश जोशी और जिला प्रभारी बलवंत बोरियाल ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और संगठन की मजबूती पर जोर देते हुए सभी से आगामी निकाय सहकारिता और लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट जाने को कहा। मैं सर्वप्रथम प्रदेश के अध्यक्ष जी का बहुत धन्यवाद करता हूं, उन्होंने मुझे पिथौरागढ़ जिले का प्रभारी के रूप में संगठन में बनाया है। और अभी आज से हमारा भ्रमण कार्यक्रम शुरू हुआ है अध्यक्ष जी के साथ, हम प्रत्येक सत्र मंडल में तो मैं प्रदेश नेतृत्व का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ जो उन्होंने मुझे इस दायित्व में दायित्व की जिम्मेदारी दी। और साथ ही ये सभी कार्यकर्ताओं को मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि नए पुराने जितने भी कार्यकर्ता हैं उनको विश्वास में लेकर और उनका उचित मान सम्मान करते हुए एक साथ जोड़कर पार्टी का काम करेंगे और बूथ स्तर तक जाकर पार्टी को मजबूत करेंगे। बिंदुखत्ता में नए विद्युत पोल और स्थायी कनेक्शन नहीं मिलने से परेशानी का सामना करने वाली क्षेत्रवासियों की समस्या का अब समाधान होने जा रहा है। मामले में क्षेत्र विधायक मोहन सिंह बिष्ट के द्वारा किए गए प्रयासों से बिंदुखत्ता में नए विद्युत पोल और स्थायी विद्युत कनेक्शन लग सकेंगे। वहीं नए विद्युत पोल और विद्युत कनेक्शन का आदेश होने के बाद बीजेपी नेताओं के द्वारा पटाखे फोड़कर और मिठाई बांटकर जश्न मनाया गया। सबसे पहले मैं बधाई जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, उसके बाद जो उत्तराखंड सरकार है उसको बधाई देना चाहता हूं। जो बरसों से यहां पर जो एक कोई फरियाखर्च नाम के एक एनजीओ है उसने एक रिट दायर की थी दिल्ली उच्चतम न्यायालय में, और आज तक यहां पर पोल लग नहीं पा रहे थे। अब बिंदुखत्ता वालों को सुविधा मिल गई है कि नए पोल भी लगेंगे और जो मीटर के कनेक्शन है वो भी कम रेट पर अभी, क्योंकि अस्थायी रूप से जो पैसा ले रहे थे कम से कम 10,000 के आसपास में एक मीटर का वो ले रहे थे, ये अब जो भी है कम से कम 3,000-4,000 में जो लगता है उसमें मिलकर जो गरीब लोग हैं जिन्होंने लगा नहीं रखा था उनको अब राहत मिल जाएगी। ये धन्यवाद सरकार का प्रेषित कर रहे हैं पूरा मामले और सरकार का फिर से धन्यवाद, माननीय विधायक जी ने जो ये काम किया है उनको फिर से एक बार धन्यवाद देना चाहता हूँ। और बिंदुखत्ता के लिए उन्होंने बहुत कुछ और कुछ करना चाह रहे हैं, डॉक्टर मोहन सिंह जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं सर्वप्रथम अपने केंद्र नेतृत्व माननीय मुख्यमंत्री जी और यहाँ के यशस्वी विधायक डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा, क्योंकि इतने समय से बिंदुखत्ता विद्युत से ऐसे शरीर इतने परेशान था जिससे स्टे लग गया, ये लग गया, वो लग गया, सालों 2006 से ये प्रक्रिया चल रही थी। आज 2022 में हमारे जो यशस्वी विधायक मोहन बिष्ट जी ने जो प्रयास किया बिंदुखत्ता में जो विद्युत की एक समस्या ऐसी रही जिससे हर परिवार हर क्षेत्र में हर कोई परेशान था, एक बहुत बड़ा जैसे कि इतने सालों से स्टे जो कि पूर्णकालीन लगी नहीं थी, कुछ गुमराह हुए हम लोग, हमारे कितनी सरकारें आई लेकिन आज मोहन बिष्ट जी द्वारा ये जो है पूर्णतः ये जो है स्टे हटा हुआ है और ये जो विद्युत की जो समस्या थी पूर्णकालीन सुचारू हमारी मोहन बिष्ट जी द्वारा करी गई है। मैं पूरी जनता बिंदुखत्ता की तरफ से और मोहन बिष्ट जी और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार अभिनंदन करना चाहता हूं कि उनने इतनी एक जटिल समस्या को जो है आज सॉल्व किया है, बहुत बहुत बधाई। जैसा कि सभी बिंदुखत्ता वासियों को काफ़ी लंबे टाइम से विद्युत विभाग द्वारा गुमराह किया जा रहा था कि कोर्ट में स्टे चल रहा है, किसी व्यक्ति ने स्टे लिया, इसलिए यहाँ के लोग इतने परेशान थे, लोगों के घर तो बन रहे, घर बन रहे थे पर पोल नहीं मिल पा रहे थे, लोगों को इतनी लंबी तारें लेके आनी पड़ी थी, उन्हें अनेक परेशानियाँ हो रही थी। इसी संदर्भ में बहुत बार हमने माननीय विधायक जी से ज्ञापन दिया और माननीय मुख्यमंत्री से भी हमने एक अनुरोध किया था कि इसकी जाँच की जाए, वाकई में रियल में है क्या विद्युत विभाग के जो कर्मचारी हैं वो क्यों बरगला रहे बिंदुखत्ता के लोगों को। माननीय विधायक जी का मैं तहे दिल से और बिंदुखत्ता की समस्त जनता से उनका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ कि उनने इस
जो स्टे का मामला से जड़ तक इस गहराई में जाकर इसका समाधान निकाला, और आज हमें बहुत ही खुशी है कि उनने आज माननीय मुख्यमंत्री जी से स्पष्ट शब्दों में कहा कि बिंदुखत्ता में जितने भी नए घर बन रहे हैं जहां बिजली के पोल नहीं है वहाँ नए बिजली के पोल लगेंगे, और जो तारे बिंदुखत्ता में काफ़ी लंबे समय से तारे नहीं लग पा रहे थे नहीं तारे लगेंगे। आज हमें बहुत खुशी है और माननीय पुष्कर धामी जी का और माननीय हमारे जो विधायक हैं माननीय मोहन मिश्र का तहे दिल से आभार करता हूँ। मैं समस्त बिंदुखत्ता की तरफ से आपका आभार अभिनंदन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय भाजपा। श्रीनगर गढ़वाल पहुंचे शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने सिद्धपीठ कमलेश्वर महादेव मंदिर में सहस्त्र कमल पूजा की। इस दौरान उन्होंने यहां भक्तों से मुलाकात भी की। बद्रीनाथ धाम में कपाट बंद होने की प्रक्रिया के बाद जोशीमठ समेत हरियाली देवी और अन्य क्षेत्रों का भ्रमण कर शंकराचार्य श्रीनगर गढ़वाल पहुंचे। यहां रात्रि विश्राम के बाद सुबह उन्होंने कमलेश्वर महादेव की पूजा अर्चना की। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने अंकिता हत्याकांड और दिल्ली के श्रद्धा हत्याकांड को लेकर भी चिंता जताई। दशनामी समाज को संगठित करने के लिए जो हम समिति बना रहे हैं उसके विश्व प्रमुख के रूप में हमने आज इनको नियुक्त किया है। आशा करते हैं कि पूरे विश्व के दशनामियों को, दरबारी दशनामियों को ये संगठित करेंगे। वस्तु है जिससे हमको आशीर्वाद मिलता रहा है। हमारे यहाँ कन्याओं का, सुवासिनियों का पूजन होता रहा है। हम उनको नाम के साथ देवी लगा करके संबोधित करते रहे। ये हमको विचार करना होगा कि जिस संस्कृति में हमारी माता, हमारी बहन को हम देवी कह के ही उसका नाम उच्चारण करते थे, चाहे आगे चाहे पीछे देवी शब्द लगाते थे, उस देश में ये क्या हो रहा है? पाश्चात्य संस्कृति का अंधानुकरण इसका कारण है, शराब का नशा इसका कारण है, और विधर्मियों का प्रभाव इसका कारण है। तो इन सब चीज़ों को हमको समझना होगा। केवल एक कारण से नहीं है, ये भोगवादी जो संस्कृति हम लोग अपना रहे हैं उसमें ये सब होना ही है। इसलिए अगर भारतीय संस्कृति के अनुरूप अपने देश भारत को हमको बनाए रखना है तो हमको उन पुरानी परंपराओं को। पोखरी मिनी स्टेडियम में युवा कल्याण के तत्वाधान में 3 दिवसीय ब्लॉक स्तरीय खेल महाकुंभ का शुभारंभ हो गया, जिसका शुभारंभ मुख्य अतिथि ब्लॉक प्रमुख प्रीति भंडारी और उपजिलाधिकारी कमलेश मेहता के द्वारा किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर ब्लॉक प्रमुख प्रीति भंडारी ने शिरकत की। उन्होंने कहा कि चमोली जिले से खेलों में राष्ट्रीय स्तर पर इस बार खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन किया है, ये इन्हीं खेलों से संभव हो पाया है। वहीं इस दौरान छात्र छात्राओं ने कई प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेते हुए खेल महाकुंभ के आयोजन पर खुशी व्यक्त की। खेल महाकुंभ जो 2022 का आयोजन जो पोखरी के इस मिनी स्टेडियम में किया जा रहा है, सम्मानित समस्त बच्चों का और जो हमारे आयोजकर्ता हैं दीपक बिस्ट जी का, जो यहाँ पर अहम भूमिका निभा रहे हैं, शिक्षक शिक्षिकाएं, उन सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन और आभार व्यक्त करती हूँ। हमारे बच्चों में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, बस उन्हें एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, वो आज उन्हें मिला है, और मैं उन्हें अपना शुभाशीष देना चाहूँगी, वो अच्छे से खेलें और आगे निकलें। ऐसे कार्यक्रमों से बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास होता है, ऐसे कार्यक्रमों का समय समय पर आयोजन किया जाना है, इसलिए मैं आप उन सभी बच्चों का दोबारा स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। खेल महाकुंभ 2022-23 के शुभ अवसर पर ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिता आयोजित हुई है। इससे पहले न्याय पंचायत लेवल पर ये प्रतियोगिता स्थापित हुई थी, जिसमें प्रथम स्थान पाने वाले अभ्यर्थी आज ब्लॉक स्तर पर प्रतिभा कर रहे हैं। आने वाले जो भी यहाँ से सेलेक्ट होंगे, फर्स्ट सेकंड स्थान के बालक बालिकाएँ सेलेक्ट होंगे, वो स्टेट लेवल, नेशनल लेवल पे अपने प्रतिभा, बच्चा आज अपने क्षमताओं में भरपूर है। और कुछ आपने अभी कुछ सोशल मीडिया के माध्यम से जैसे बच्चे अभी नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल पे अपने प्रतिभा दिखाया है। हमारे कुछ बहनें भाइयों ने इंटरनेशनल लेवल पे अपनी प्रतिभा, जिसके पहाड़ के बच्चों को मैं आज अपने गाँव के छोटे ननिहालों को शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ और इनकी उज्ज्वल भविष्य की कामना। पोखरी में खेल महाकुंभ का आयोजन हुआ है, जिसमें मैंने प्रथम स्थान प्राप्त किया और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज हमें इस चीज़ का मौका मिला है, इसलिए धन्यवाद। गुड मॉर्निंग टू ऑल, माई सेल्फ सृष्टि विट्वाल, आई एम फ्रॉम अटल उत्कृष्ट GIC नागनाथ, आई स्टडी इन क्लास 10th, आई टुक अप फर्स्ट पोजिशन इन 600 मीटर रेस एंड माई एक्सपीरियंस वॉज वेरी गुड एंड दिस इज अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी टू अस दैट वी गो इन डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड देन इन स्टेट लेवल। थैंक यू। 3 दिन ये लगातार ये खेल प्रतियोगिताएँ चलेंगी। आज अंडर 14 की यहाँ पर आयोजन हो रहा है और 2 दिन अंडर 17 और जो अंडर 21 के यहाँ पे स्पोर्ट्स होने हैं,
और जो भी यहाँ पे खिलाड़ी फर्स्ट आएंगे वो इसके बाद 28 तारीख से जिले में होने वाले खेल महाकुंभ में जाएंगे, भाग लेंगे। पिथौरागढ़ जिले के उच्च हिमालयी क्षेत्र में इन दिनों बढ़ती ठंड के चलते लोगों के द्वारा माइग्रेशन किया जा रहा है। साथ ही माइग्रेशन के दौरान लोग अपने जानवरों को भी उच्च हिमालयी क्षेत्र से निचले इलाकों में लेकर आ रहे हैं। वहीं जानवरों में फैल रही लंपी स्किन डिजीज के मद्देनजर पशुपालन विभाग के द्वारा टीकाकरण का काम किया जा रहा है। जिले के उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर पी के जोशी ने बताया कि उच्च हिमालयी क्षेत्र से दूसरे देश के पशुपालकों के द्वारा धारचूला मार्ग से होते हुए अपने देश को माइग्रेशन किया जाता है। उन्होंने बताया कि पशुपालन विभाग की टीम के द्वारा धारचूला और तवाघाट में 500 पशुओं का टीकाकरण किया गया। कि इस समय हमारा लंपी स्किन डिजीज का टीकाकरण पूरे राज्य में चल रहा है। पिथौरागढ़ जनपद में भी हम यह निरंतर कार्य कर रहे हैं। इसी क्रम में धारचूला का जो ऊपरी क्षेत्र है जहां दरब्याग बूंदी गुंजी इसके पार की तरफ को जो किंकर और छांगरू है जहां नेपाल के लोग रहते हैं वो प्रत्येक वर्ष इस समय अपने पशुओं के साथ वापस धारचूला होते हुए ही अपने नेपाल को वापस जाते हैं। तो इस दौरान माइग्रेशन में उनके पशु भी उनके साथ रहते हैं जिसमें बेसिकली झप्पू भी वो लोग अपने साथ रखते हैं और गाय होती हैं। तो इनको हमने इस बार एलागाड़ में तवाघाट में और जो हमारा धारचूला का पशु चिकित्सालय है वहाँ पे टीमें तैनात करके इन सभी पशुओं का LST के खिलाफ टीकाकरण किया ताकि ये पशु सुरक्षित रहें। लगभग 300 से 350 पशुओं का हमने LST का टीकाकरण इन माइग्रेशन वाले पशुओं में किया है।